क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, आप लोग सब खैरियत से हों। जनाब आज मैं टिंडे की तरकारी पका रही हूँ। ये टिंडे हैं, इसको इसमें प्याज डलती है, मैंने एक प्याज ली है, चार से पाँच मैंने हरी मिर्चें ली हैं, दो टमाटर लिए हैं, एक चम्मच पिसी हुई मिर्चें हैं, एक चम्मच नमक है, एक चम्मच जीरा है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें हैं, एक चम्मच धनिया है, आधी चम्मच हल्दी है और लहसुन अदरक का पेस्ट एक चम्मच है। अब ये प्याज मैंने रख दी थी ब्राउन होने के लिए, वो थोड़ी सी हल्की सी जो ज़्यादा ब्राउन हो गई है, जगह जगह से जल गई है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ऐसी नहीं जली है कि बुरी लगेगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये टमाटर और हरी मिर्चों का मसाला, मैं इसको अच्छे से भूनूंगी और अब इसके साथ ही मैं ये सारे मसाले डाल रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है एक चम्मच, ये भी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से आपस में मिल जाए और अच्छे से ये टमाटर भी गल जाए। ये मसाला भूनने के बाद मैं बस बच्चों में लग गई, मसाला भूनने के बाद मैंने आटे के साथ ही ये डाल दिया टिंडा। अब ये टिंडे को मैं इसमें भूनूंगी 5 मिनट, फिर एक गिलास पानी डालूंगी, एक कप के करीब पानी डालूंगी। ये देखें, अब ये पकने के लिए छोड़ दिए मैंने, एक गिलास पानी डाल के मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखें, ये जो है टिंडे की तरकारी तैयार है। इसके ऊपर से मैंने धनिया छिड़क दिया है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसके अंदर मैंने मेथी भी डाली है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,